What's up guys, it's day 6 for my Ladakh 2024 trip. So today I'm at Sumori and going to Hanle. So it's about 55 plus 80, 135 kilometers ka drive hai. So far it's good. So once I'll reach, because there is nothing much to show from Sumori to the bridge from where we had to take a right. So let's go and talk much. We are rolling. I put up the sticker over the place where we stay. So that's it. Let's get on the bike and hit Hanle as soon as possible and just get the things done. Saans full jati hai. थोड़ा सा चलते ही रात को टेम्परेचर इज अबाउट -5, तो इट्स वेरी टफ टू स्लीप ऑल्सो. सो लेट्स गो ऑन द बाइक. बाय बाय सुमोरोरी. फाइनली पुशिंग बैक टू हानले. द नाइट वाज सो क्रेजी. शाम को 6 बजे पहुंचे और ना टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट जीरो. इमिजिएटली रजाई में घुसे और स्विच ऑन हीटर फॉर माई जैकेट. उसके बाद में थोड़ा सांस आया और वी एट एटीट्यूड ऑफ 15,000, तो सांस भी बहुत फूल रही थी कुछ भी करते हुए. तो इट बिकम वेरी टफ टू मैनेज द थिंग. बट स्टिल खाना वाना खाया और सो गए और सीधा 8 बजे आँख खुली है. सो वी आर सो मच ऑफ टायर्ड. तो सुमोरी जाने के लिए भी 8-10 किलोमीटर का ऐसा ही कच्चा रास्ता है. रास्ता तो नहीं बोलता मैं इसको, बट एक लोकेशन पे जाने वाली बात है बिकॉज सारे कच्चे पहाड़ हैं यहाँ पे. तो किसी तरीके से मेरा ट्रैक बन गया है, बट काफ़ी हद तक पीछे ट्रैक बन रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा. There is no such kind of an adventure. There is no fear of falling. सारी शीप भाग गई. क्या क्रेजी रोड है यार. मैंने पता किया था ये जो वाइट वाइट वाले घर है ये क्या है, ये आर्मी के हैं, ये क्या है. तो आई गेट टू नो कि जो भी कार्जैक में अपना याक पालता है और उनकी ब्रीडिंग करता है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज बड़ी एक्सटिंक्ट स्पीशी हो गई है याक. कोई भी रखना नहीं चाहता है. एवरीबडी इज मूविंग आउट ऑफ द विलेजेस एंड एवरीथिंग टू रिटेन द विलेजर्स इन दिस टेरेन. तो गवर्नमेंट गिव दीज हाउसेस to all the yak owners. ये वाली लेक पूरी फ्रीज्ड है. सुमोरी तो 2 दिन पहले से ठीक हो गई है. 2 दिन पहले सुमोरी फ्रीज थी, ये वाली पूरी फ्रीज है. क्या आई फॉरगॉट द नेम. पता किया था नाम मैंने कि इसे कुछ नाम था, जस्ट पुट इट ऑन द कैप्शन. ये अभी भी फ्रीज है और यहाँ पे विंड की जो स्पीड है दैट इज मतलब इनक्रेडिबल. हमारा एक बाइकर तो गिर ही गया था यहाँ पे. इतनी तेज हवा थी वो साइड में ले गई उसको और कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे गिर गया था. मतलब रात में तो इतनी ठंड हो जाती है. अभी जैसे द टेम्परेचर इज व्हाट 16 डिग्री. रात में टेम्परेचर होता है -4 -5 और दोपहर में टेम्परेचर होता है 20. तो इतना वेरिएबल है टेम्परेचर यहाँ पे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ डेजर्ट ओनली. यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ तो कुछ है नहीं, डेजर्ट है. तो जब डाउन होता है तो डस्ट मतलब इतना गंदा डाउन होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है. रुके थे क्योंकि रोहन का वो कूलेंट लीक होने लग गया था बाइक का. तो अभी थोड़ा जुगाड़ किया है, कुछ जिप टाई से लॉक किया है बिकॉज का कूलेंट का जो पाइप था नीचे से हिट कर गया और उसका जो लॉक था वो लॉक निकल गया. तो समहाउ मैं जिप टाई से लॉक कर दिया उसको. कूलेंट अब लीक नहीं हो रहा है टच वुड, एंड आई होप इससे काम हो जाएगा हमारा. टोटली फ्रीज्ड लेक, उसके ऊपर बाइक भी चला सकते हैं.
यहाँ पहुँचना मुश्किल है, अदरवाइज तो इट्स द प्लेस टू एंजॉय। और व्यू देखना है तो प्रीवियस वाली वीडियो देखो, डे 5। डे 6 में तो हमारा रियल ब्लॉग स्टार्ट होगा माही ब्रिज से, 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माही ब्रिज टू हानले। ओह माय गॉड, एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि लोग ऐसे पेबल्स के ऊपर पेबल्स रख के क्या करते हैं, व्हाट दे सपोज टू डू, ये है क्या है? मेरे को नहीं समझ में आया। बस एक स्क्वायर है और इसके ऊपर ये सारे ब्लेसिंग्स वाले मंत्र वाले पोस्टर्स लगे हुए हैं, मतलब उसको हटाया नहीं इन्होंने, ना साइड किया, रोड को टर्न कर दिया है। सो वी गेट बैक फ्रॉम सुमोरी, नाउ वी जस्ट क्लाइंबिंग टू दी हानले। यहाँ से हानले इज अबाउट 80 किलोमीटर्स, सो वी स्टार्टेड एट 10:30 एंड वी रीच एट 1:12। वी ऑलमोस्ट टेक 2 hours and 45 minutes टू रीच माही ब्रिज। यहाँ से आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल टेक बिकॉज GPS काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क है नहीं, तो वी आर राइडिंग फ्रॉम लास्ट 2 days विदाउट अ नेटवर्क। सो लेट्स सी हानले में नेटवर्क मिलता है नहीं मिलता है। और रोड अगर ऐसा ही रहेगा तो 80 किलोमीटर्स तो आई थिंक 3 घंटे में तो ईजिली हो ही जाना चाहिए, तो इट्स 1, तो बाई 4 वी विल रीच एट एनी कॉस्ट। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीच न्योमा पे वी विल टैंक अप आवर बाइक। वंस वी टैंक अप, जारी कैंस में ऑलरेडी हमारे पास 10 लीटर पेट्रोल है ही है, तो वो जब हम वहाँ जाएंगे उमलिंगला तो वहाँ के काम आ जाएगा। और नहीं, उमलिंगला तो इसी टैंक से हो जाएगा कंप्लीट, बट जब उमलिंगला से वापस आने के बाद वी नीड टू फ्यूल अप बिकॉज फ्रॉम उमलिंगला टिल पेंगोंग वी डोंट हैव एनी पंप, बिकॉज हम वैसे जाएंगे भी मान और मिराक की तरफ से अंदर, इट्स काइंड ऑफ एन ऑफ रोड ओनली। सो जब काम आएगा एक्स्ट्रा फ्यूल हमारा, तो अभी 25 किलोमीटर्स न्योमा है, फिर न्योमा से यहाँ से 20 है, पीछे अभी वो आया था वो, और न्योमा के बाद 50 किलोमीटर्स वी हैव दी हानले। 15,000 feet, नाउ वी आर गोइंग टू 17,000 feet, एंड वाइल गोइंग टू उमलिंगला टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी 19,500 feet अबव। अपने जो एयरक्राफ्ट होते हैं दे फ्लाई ऑन 20,000 feet, सो नाउ यू कैन इमेजिन वी आर गोइंग एज हाई वेयर फ्लाइट यूज टू फ्लाई। कॉन्कर द उमलिंगला, इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी बाइकर, इट इज़ द वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरेबल रोड, एंड दैट्स द माई मेन मोटिव फॉर दिस राइड, आई वॉन्ट टू गो देयर। दैट इट इज़ द वाइट कोस्टल, आई डोंट नो, देयर डिफरेंट कलर्स, आई एम लविंग इट। चलो कैच यू एट न्योमा, बिकॉज बाकी लोग बहुत तेज चला रहे हैं, तो आई हैव टू कैच देम ऑल्सो, बिकॉज अकेले अगर कुछ भी पंचर भी हो जाए तो इट्स टफ टू मैनेज। Wow, look at this road, man. It's awesome. Wow, it's crazy. I'm on 90s, a straight road. It's an awesome drive. My God. Finally, we reached the filling station of Neoma. We just get a tank complete over here. Just had a lunch at this Punjab Dhaba Jammu. I don't know Jammu ke sath kya correlation hai. And we are just in front of the world highest altitude retail outlet from Indian Oil. So this is the height to koi petrol pump abhi tak exist nahi karta hai. So we are here. Hanle is about 4 hours ride from here. So most probably by 4 we will hit Hanle. Till then we are just taking a halt of 5-10 minutes, more minutes. Then start rolling. Finally reach Loma Bridge. It's I just got to know ki bada hai chhota sa bridge hai. I don't know. Ye check post hai. Yahan ruk ke zara entry karani padegi. Finally we cross Loma Bridge. Abhi ye ke banaya army ne dusri side wala abhi construct kar rahe hain. बट आर्मी भी हमेशा लगी रहती है कुछ ना कुछ करने में, अगर आर्मी ना हो
तो ये ब्रिजेस और ये रोड्स बने ही ना, हमने सीधा लेफ्ट में दुंगती, वी रीच अ प्लेस रेंगो, अच्छे खासे मकान है यहाँ पे, 25-30 मकान तो दिख ही रहे हैं कम से कम यहाँ पे, रेंगो। लुक एट द रोड, ऐसे सीधा वो डिग 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 डिग, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर का रोड सीधा दिख रहा है। गॉड क्या प्लेन्स हैं यार, मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ है ये, मतलब देर इज नो वेजिटेशन, नथिंग, वी आर एट 16,000 फीट अबव द सी लेवल। आई डोंट नो मतलब हाउ दिस प्लेस हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। सी दिस रोड, स्ट्रेट लेफ्ट देन स्ट्रेट, वो काले काले पहाड़ भी आ गए और थोड़े स्नो वाले पहाड़ भी आ गए। जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं हानले के, लैंडस्केप चेंज होता जा रहा है। हानले इज अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, नेक्स्ट 15 मिनट्स आई विल बी देयर, तो वी टारगेटेड टिल 4:30 एंड इट्स 4:49, तो 25-30 मिनट लेट हो गए। बस जहाँ खाना खाने रुके को रुके क्या, बस सो ही गया, मैं लगा बिकॉज 9 किलोमीटर्स ओनली। मज़ा आ गया राइड में आज, फाइनली वी आर ऑलमोस्ट देयर इन हानले, ड्रीम कम ट्रू। फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो एंड यू वॉच द वीडियो टिल नाउ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पुट ऑन टू एडिट ईच एंड एवरी वीडियो। जहाँ आर्मी का काम ख़त्म हो जाता है वहाँ रोड ख़त्म हो जाता है। उसका ब्रेक ही नहीं लगा बाइक का, मेरी वहां बता था रोकने के लिए, सोनू गेस्ट हाउस पीछे है। थोड़ा आप साइड कर देते, चलो चलो, लगी बहुत हल्के से थी रे। बात वो नहीं, आप मारे तो हम इतना तोड़ दिए, हम गिरे तो ये मेरे से गिर गया, सांस फूल गई। सो मी एंड गौरव जस्ट मूव आउट ऑफ द होम स्टे, तो एटलीस्ट एक राउंड मारते हैं हानले का रात में। कि लोगों ने बोला यहाँ पे स्टार्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, ये वो ब्ला 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 ब्ला, लेट्स सी क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, अगर काफ़ी क्लाउड्स हैं तो बोला कि यहाँ दिखना मुश्किल है, बट स्टिल हानले में अगर हानले ब्लैक रात को नहीं घूमा था फिर क्या घूमा। तो वी जस्ट मूव आउट, एक कैफ़े है यहाँ पीछे, उस कैफ़े में भी एक बार जाएंगे, वहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है तो एटलीस्ट घर में एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, और जो दो चार लोगों को इम्पोर्टेंट मैसेज करने हैं वो भी कर देंगे, तो उससे ऐसे लोगों को ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ वी हैव रीच्ड, अदरवाइज तो वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग। द वे टू मलिंगला, सुबह हम यहाँ से जाएंगे, वो मलिंगला होके आएंगे
अभी तो हम ऐसे घूम रहे हैं रोमिंग अराउंड, नहीं कुछ भी दिख रहा है, बहुत स्काई, लोगों ने बोला कि सितारे दिखते हैं, दिखता है वो दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा अब तो यहाँ पे।